वैसे तो भारत और विदेशों में भी बहुत बड़ी बड़ी एनजीओ संस्थाएं हैं जो बड़े बड़े नेक काम कर रही हैं और जनता को बहुत सी सहूलियतें भी मुहैया कराती हैं। उन्हीं संस्थाओं में से एक है दी बुलेट कैफे क्लब चंडीगढ़ की, जो कि सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए ही काम करती हैं और सरहदों पर अपने परिवारों से दूर बैठे जवानों के लिए कुछ न कुछ करती रहती हैं। इस बार दी बुलेट कैफे क्लब चंडीगढ़ की और से आम जनता से उनके इंडियन आर्मी के प्रति दिल में बिसाई हुई भावनाओं को इकट्ठा कर इंडियन आर्मी के जवानों तक पहुंचाने का संकल्प लिया, जिसे वे आज इतनी धुंध और सर्दी की परवाह किए बगैर ही चंडीगढ़ से हुसैनवाला बॉर्डर फिरोजपुर जवानों को पहुंचाने जा रहे हैं और रास्ते में टी ब्रेक के लिए मोगा रुके, जहाँ लोगों ने उनका स्वागत किया। यह संस्था पहले भी 3 बार अलग अलग स्थानों पर बैठी इंडियन आर्मी के जवानों की टुकड़ियों तक उनके ऐसे संदेश पहुंचा चुकी है। वहीं आज मोगा पहुंचे दी बुलेट कैफे क्लब चंडीगढ़ के मेंबर के एडमिन ने बताया कि दी बुलेट कैफे क्लब चंडीगढ़ के 8 मेंबर अभी मोगा पहुंचे हैं और हम लोग चंडीगढ़ से हुसैनवाला बॉर्डर पर जा रहे हैं। हमारे पास 4 पत्र हैं जो आम जनता फौजी भाइयों के नाम संदेश लिखा हुआ है। उस संदेश को हम उन तक पहुँचाने के लिए उनके तरबियत करने के लिए जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि बॉर्डर पर तैनात फौजियों को यह बताने का आम नागरिक जो खुले रह रहे हैं उनके प्रति उनकी क्या भावना है। हमने ये लेटर अलग अलग प्रांतों से इकट्ठा किए हैं और यह पत्र उनको आज शाम को हुसैनवाला में इंडियन आर्मी के जवानों को पहुंचाएंगे। मैं द बुलेट कैफे चंडीगढ़ का एडमिन हूं और आज मेरा क्लब मेरे साथ तकरीबन 8 लोग यहाँ आए हुए हैं मोगा में। हम लोगों ने चंडीगढ़ से अपनी राइड स्टार्ट की थी और हम जा रहे हैं हुसैनवाला बॉर्डर फिरोजपुर में जो है, और हम एक ट्रिब्यूट राइड लेके जा रहे हैं यहाँ से चंडीगढ़ से। हमारे पास तकरीबन 400 लेटर्स हैं जो लिखी हुई हैं आवाम ने, आम जनता ने, हमारे फौजी भाइयों के लिए जो पोस्टेड हैं बॉर्डर पर। और हमारा मोटिव ये है कि हम ये मैसेज कन्वे करने जा रहे हैं हमारे फौजी भाइयों को जो पोस्टेड हैं बॉर्डर पर, उनको हम ये बताएंगे कि कैसे आम जनता जो है भारत की वो क्या सोचती है उनके बारे में। तो ये जो लेटर्स हैं ये हमने इकट्ठी की हैं अलग अलग स्टेट से, और हमारे साथ मेरे साथ एक एनजीओ काम करती है जिसका नाम है आई एम स्टिल ह्यूमन, और ये लोग सिर्फ आर्मी के लिए काम करते हैं, आर्मी के अपॉइंटमेंट के लिए। और आज मैं अपने क्लब मेम्बर्स, मेरे साथ अतिंदर सर हैं और अमित जी हैं और जज साहब हैं, साथ में गुरप्रीत जी हैं जो कि ये सपोर्ट कर रहे हैं इस कॉज को। और आज हम शाम को 4 बजे पहुंचेंगे हुसैनवाला बॉर्डर, जहां पे हमने परमिशन ले रखी है डिप्टी कमांडेंट बीएसएफ से, और वो हमको परेड ग्राउंड के अंदर परेड दिखाने के बाद हम लोग ये लेटर्स और कुछ हम स्वीट्स लेके आए हैं चंडीगढ़ से, मिठाइयाँ जो हम बांटेंगे फौजी भाइयों के अंदर। हमने चंडीगढ़ से सुबह 8 बजे अपनी हमने राइड स्टार्ट करी थी और हम अभी 12 बजे पहुंचे हैं मोगा। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टॉप हमारा सीधा हुसैनवाला बॉर्डर का होगा। और सर और कोई है डिस्ट्रिक्ट का लड़का जो आपके साथ चलना है उधर? हमारे साथ कुछ लोकल लड़के भी हैं यहाँ के जो कि मोगा से भी हैं, और बाकी हम सब चंडीगढ़ से आए हैं, मेजर भी सारे लोग 8 लोग। और हमारा यही है कि मोटिव जितने लोग साथ में जुड़ेंगे हमारे साथ उतना अच्छा है, एक मैसेज कन्वे होगा सबके लिए।